नमस्कार, मैं हूं नेहा वर्मा। आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस पर खास खबर। आज की खास खबर, दिल्ली के बसंत विहार इलाके में 3 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मिली जानकारी के अनुसार अपराधियों ने बुजुर्ग दंपत्ति और एक नौकरानी की गला रेतकर हत्या कर दी। हत्या की यह वारदात रविवार सुबह जानकारी में आई, जिससे अब दिल्ली पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतक बुजुर्गों की एक बेटी और दामाद दिल्ली में ही रहते हैं। घर में कुछ सामान बिखरे मिले हैं, जिसकी जांच की जा रही है। केयर टेकर महिला बुजुर्गों के मेडिकल हेल्थ के लिए रखी गई थी। दोनों बुजुर्ग सरकारी नौकरी से रिटायर्ड थे। एक ऐसी ही घटना शनिवार को महरौली इलाके में हुई, जहां ट्यूशन पर गुजारा कर रहे उपेंद्र शुक्ला को शनिवार सुबह अपने कमरे में अपनी पत्नी और 3 बच्चों के खून से लथपथ शवों के बीच बैठा पाया गया। उसने अपने महज 1.5 साल के एक बच्चे का भी गला रेत दिया था।